दो पार्टनर्स में रेड फ्लैग्स का देखना बड़ा अहम है, लेकिन अगर हम रेड फ्लैग्स को देखकर ये नहीं होता कि हम चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते हैं दूसरे को, गेट आउट, दफा हो जाओ, हेट यू, ऐसा नहीं करना, देखनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें। और रेड फ्लैग्स हमें सिर्फ इंडिकेशन देते हैं, हमें अलर्ट्स करते हैं कि इन चीज़ों पे गौर करो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्या क्या मसाइल सामने आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं क्रिएट हो रही, और जिन रिलेशंस में वजाहतें नहीं होती और सिर्फ रेड फ्लैग्स होते हैं, समटाइम होता है एक पर्सन गलती करता है और उसको अपनी उस कमी का एहसास भी नहीं होता। मसला उस वक्त खराब होता है जब वो उस कमी का, अगर कोई उसको एहसास दिलाना चाहे कि दिस इज योर वीकनेस, इसको स्ट्रॉन्ग करो, वो इसलिए नहीं बता रहा कि आप इसको, आप बुरे हो। अगर आपको कोई बताना चाह रहा है तो वो आपका हमदर्द है, और अगर आपका कोई महरम रिश्ता है तो वो बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है, उसका हमने बहुत रिगार्ड करना है, एहसास करना है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि ऐसा रिलेशन कोई मौजूद है जो हमें इस चीज़ के लिए गाइड करेगा। ख़ास तौर पे फीमेल्स के हवाले से ऐसे रिलेशन बहुत नायाब हैं जो उनकी कमियां बताएं, अदरवाइज कोई भी फीमेल है, कोई भी, तो उसको सर पे उठाने वाले, उसकी इंपॉर्टेंस बताने वाले, उसकी खूबियां बताने वाले हर तरफ हैं। तो इसलिए रेड फ्लैग्स को जो कलेक्शन है उसकी करनी है, लेकिन रिएक्ट नहीं करना जब तक दूसरा बंदा आपको मौका ना दे और आपकी बात ना सुने ना समझे। और मुझे लगता है कम से कम 4 माह चाहिए होते हैं किसी को थोड़ा सा समझने के लिए कि ये क्यों कर रहा है, क्यों कह रहा है, इसका क्या फायदा, या मेरे भले के लिए कह रहा है। अगर टाइम साथ गुजरे तो 4 माह में अंदाजा हो जाता है। वो जहाँ सालों का रिलेशन है और एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर भी नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं आ रहा, एक्सेप्ट नहीं करते अपनी कमी।